ये इन्फॉर्मेशन तो आपको भी मिल चुकी होगी यूट्यूब पे. मुझे नहीं लगता कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर ऐसा बचा है जिसने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है कि इनकम टैक्स एबॉलिश होने वाला है, खत्म होने वाला है, अब नया एक टैक्स सिस्टम आ जाएगा. जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विद आप कह सकते हो प्रूफ के साथ, एक तरीके से मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आपको आई कैन अश्योर यू कि मोस्ट लेजिटमेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी यूट्यूब पे. बाकी सबकी वीडियोस में जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है वो गलत क्यों है उनको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ना इनकम टैक्स चलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो मतलब अगर देखा जाए तो ये एक्ट कब बना था, 1961 में एप्लीकेबल हो गया था. अब इतने सालों से एक ही एक्ट चल रहा है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ओवर द टाइम ना बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं, कई सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, कई ऐड हो गई हैं, कई मॉडिफिकेशन हो गए हैं. तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, केस लॉज बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट केस लॉज आ गए. तो मतलब इतने सालों में ना ये इनकम टैक्स बहुत ज्यादा क्या हो गया, अगर वैसे देखिए टेक्निकली तो कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, मिक्सअप हो गया सारी चीजें. मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको, तो गवर्नमेंट का पर्पज क्या है कि इसको एक काम करते हैं, इतनी सारी चीजें इतने सालों से स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है, इनको हम कलेक्ट करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक दोबारा से रिड्राफ्ट, ठीक है. अब यहाँ पे गवर्नमेंट कितना उसको कंसोलिडेट करेगी वो एक मैटर करता है, और कितना उसमें उसको चेंजेस लाएगी ये अलग बात. और ये कोई भी आपको नहीं बता सकता, ये सिर्फ तभी पता चलेगा जब एक्चुअल में न्यू जो भी एक्ट है वो ये, तो ये चेंज हो जाता है या नया आ जाता है, दोनों में से जो भी रहता है जब हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा. आप एक चीज देखो, जो जब भी इलेक्शन होते हैं, इस बार के इलेक्शन का आप देख लीजिए, एग्जिट पोल मतलब हर किसी ने एग्जिट पोल पे, चाहे कितने बड़े बड़े से पॉलिटिशियंस हो, ये न्यूज चैनल्स हैं, सबने एग्जिट पोल पे इतना ज्यादा उसको जो अपने व्यूज है वो शेयर करे और आखिर में हुआ क्या. तो इन चीजों के ना जब तक कोई चीज एग्जिट मतलब एक्चुअल में नहीं हो जाती तब तक आप उनके बारे में एक्चुअल में कुछ भी नहीं कह सकते. यहाँ पे मैं भी आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहा हूँ बहुत मेरा मानना है कि बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है. इतना ज्यादा तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा, मोदी जी को भी नहीं पता होगा कि कब क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो इनकम टैक्स का आपको समझ में आया कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि एक नया टैक्स सिस्टम आ जाए. यहाँ तक सारी बात सही है. अब जो नया सिस्टम आने वाला है उसको हम कहें तो क्या न्यू टैक्स सिस्टम आएगा, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम आएगा. अब इसमें ना ये कोई नई टर्म नहीं है, आपको पता है ये कब से, 2009 से ये इंट्रोड्यूस हो चुकी है. मतलब गवर्नमेंट जो उस टाइम पर रूलिंग पार्टी थी, मैं नेम नहीं लूंगा, आपको पता है जो भी रूलिंग पार्टी थी उस रूलिंग पार्टी ने उस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया था कि हाँ हम एक क्या करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आते हैं जिसमें अभी हमारा क्या होगा सारी चीजों को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. इसी तरीके से उनका प्लान 2009. उसके बाद क्या हुआ, उसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती गई, कभी कैंसिल, कभी कुछ कैंसिल, कभी कुछ कैंसिल, ये सारी चीजें चलता. अब उसके बाद पीएम मोदी जी ने 2017 में दोबारा से एक्सपर्ट कमेटी बैठाई. अब उन्होंने कहा कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग एक बार स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम रिड्राफ्ट करते हैं 2017. अब बात ध्यान रखना, मतलब पहली गवर्नमेंट ने जो करा था 2009 में हो गया था, फिर 2014 में ये एक तरीके से उससे पहले कैंसिल हो गया. अब 2017 का स्टार्ट हुआ है फिर से, 2017 से इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क चल रहा है और ये कोई नई चीज नहीं, ये गवर्नमेंट कई बार बता चुकी है उससे तक, बट अभी तक भी इसका कोई भी अपडेट नहीं आया, ठीक है, मतलब अभी तक भी ये नहीं हुआ. तो मैं अगर बात करता हूँ 2009 से, तो रफली हमारे 15 इयर्स सो हो ही चुके हैं, ठीक है, तो अभी तक भी ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. अब आपको एक चीज और पता है, जीएसटी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और कब अनाउंस हुआ, 2017 में, बात समझ रहे हो. और यहाँ पे भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है अगर मैं कहूँ तो वो 2014 में इसको लाने की पूरी कोशिश में लग गई थी. मतलब इसको लाने में गवर्नमेंट को भी, जो रूलिंग पार्टी है उसको लाने में भी 3 साल के करीब लग गए. तो मतलब ऐसा नहीं होता है कभी भी कोई भी एक्ट, आप आज के टाइम पे कोई भी देख लो, कोई भी एक्ट बदल रहे, लगातार चेंज हो ही रहे कोई ना कोई, क्या ऐसा है कि आज गवर्नमेंट ने कहा कल आगे, नहीं. अब सबसे ज्यादा सर्कुलेट क्या हो रही है, सीतारमन जी की वीडियो शेयर हो रही है सबसे ज्यादा. आप उसी पोस्ट को और उसी वीडियो को एक बार देख लो, दैट व्हिच वी हैव कम अप विद, दैट विद इन 6 months वी विल हैव द टैक्स कोड और द इनकम टैक्स एक्ट, एटलीस्ट सम पार्ट्स ऑफ इट वेरी क्लियरली written in simple, easy to understand language. There's a committee within the CBDT which is working on it. And यहाँ पे वो खुद क्लियर कह रही हैं कि 6 months में हमारी कोशिश है कि हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ड्राफ्ट कर मतलब प्रिपेयर कर देंगे, और कोशिश है मैक्सिमम पार्ट इसका हो जाए. मतलब अभी भी वो क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट हम इसका करेंगे. पहले उसको प्रिपेयर करना
पूरा एक्ट को रीड्राफ्ट करना ऐसा इजी चीज नहीं है कि बस एक चैप्टर का था समरी रिवाइज कर, उसमें एफर्ट्स लगेंगे, टाइम लगेगा, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करना, पास करना, इंप्लीमेंट करना, एप्लीकेबल करना, बहुत सारी चीजें इसमें होती है जो गवर्नमेंट कह रही है और उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द से जल्द आ जाता है तो आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होगा। अब गवर्नमेंट ने अगस्त में कहा, जस्ट एक सेकेंड, गवर्नमेंट ने अगस्त में कहा कि इसको 6 मंथ्स के अंदर हम रेडी कर दें। 6 मंथ्स का मतलब हम मान लेते हैं दिसंबर 2024, ठीक है, दिसंबर 2024 में ये एंड तक हम मान के चलते हैं कि रेडी हो जाए। उसके बाद ही हम ये मानते हैं कि फरवरी तक सब कुछ एकदम पास होना, इसका बिल प्रेजेंट होना, ये पूरा पास होना, सब कुछ हो जाए, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग काम है। ये फेब के बजट में अनाउंस हो जाता है, जो फेब में बजट आता है उसमें ये अनाउंस भी हो जाता है सिर्फ 1.5-2 महीने के अंदर अंदर, मैं ये भी मान। अब उस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होगा, ये कब से रेडी एप्लीकेबल हो जाएगा, अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल होगा। अब इसकी आईटीआर कब फाइल होगी, ये आईटीआर फाइल होगी जुलाई 2026। बात समझ रहे हो, मतलब अगर सब कुछ मान भी लेते हैं कि एकदम परफेक्ट होता चला जाता है, सारी चीजें एकदम एक ऐसे चुटकी बजाते क्लियर होती चली जाती है, तो भी आपकी जो आईटीआर जाएगी वो 2026 में जाएगी अगर सब कुछ हो भी जाता है। इसी चीज पे इतने हल्ले मचा मचा के यूट्यूबर्स ने ऐसा कर दिया जैसे कल से इंट्रोड्यूस हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आ रहा है, बट इसकी इन्फॉर्मेशन तो सही शेयर करो, इसको मिसगाइड क्यों कर रहे हो, सबको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों कर रहे हो। वो पहले कंफ्यूज है कि भाई ओल्ड रेजिम चल रहा है, न्यू रेजिम चल रहा है, न्यू रेजिम पे हर साल अलग न्यू रेजिम चल रहा है, ऊपर से फिर ये वाला आ जाएगा। पर आप खुद सोचो, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेशन ऑलरेडी हो चुका है ये टैक्स रेजिम के चक्कर में, लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा, पूरे का पूरा एक्ट बदलना इमीडिएटली बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ था ना, आज तक भी मतलब अब तो काफी सेटल हो गया, बट कई सालों तक उसमें बस चेंजेस आते रहे और लोगों को समझ में नहीं आके दिया कि हो क्या रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इतना ज्यादा स्मूथ इसमें नहीं रखा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस बजट में भी अब चेंज आए थे ना, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। अब बात समझो कि एक बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कह चुकी है कि भाई अप्रैल से स्टार्ट होंगी, अप्रैल 2025 से, अप्रैल 2024 से स्टार्ट नहीं करी, वो कब से स्टार्ट होंगी, अप्रैल 2025 से। अब मैं कह रहा हूँ कि बाकी सब कह रहे हैं कि फरवरी में बजट आ जाएगा और उसमें सारी चीजें अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो अब इसमें से कुछ एक ही चीज हो सकता है ना, या तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट एप्लीकेबल होगा, गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, उसको पूरी तरह से न्यू टैक्स का जो भी आप एक्ट आता है या जो भी आता है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करेगी, उसको उससे रिलेटेड कुछ चीजें पहले से इंट्रोड्यूस कर देगी एग्जिस्टिंग एक्ट में, एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसमें उसको इंट्रोड्यूस कर देगी। बट अगर चेंज भी करना हुआ तो अब गवर्नमेंट ये तो नहीं करेगी ना कहेगी ना पिछले बजट था कि अप्रैल से स्टार्ट होगा उसको भूल जाओ और मैं इस बार ना नया कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट अपने आप की बहुत सारी चीजों को कह रही है कि चेंजेस तो काफी होंगे बट ऐसा नहीं है सब कुछ बदल जाएगा। बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी नहीं, मैं कहूंगा मैक्सिमम चेंजें आपकी सेम ही रहने वाली है। इनफैक्ट जीएसटी के अंदर भी हम बात करते हैं ना, उससे पहले वैट और सीएसटी हुआ करता था, अब वैट जब जीएसटी आया तो सारा कुछ ये वैट सीएसटी और सर्विस टैक्स भी हुआ करता था, तो सारा कुछ वहीं से अडॉप्ट किया गया है और इंटरनेशनल लेवल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट कॉपी कर दिया गया, जीएसटी अपने आप में बहुत रिफ्रेशिंग टॉपिक था, यहाँ पे इनकम टैक्स में उतना ज्यादा नहीं होने वाला है क्योंकि जीएसटी का बेसिक मैकेनिज्म ही चेंज हो गया था, वैट सीएसटी सर्विस टैक्स का मैकेनिज्म ही पूरा डिफरेंट था, यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बेस चेंज हो गया। इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई कल से ना सांस लेने के ऊपर आप जो सांस लोगे उसकी कैलकुलेशन करोगे फिर उसके ऊपर टैक्स होगा, नहीं, जो आपकी इनकम होगी टैक्स उसी पर लगना है ना, यहाँ पर सिंप्लीफाइड चीज है। तो वो, और उसके अलावा एक बात और भी आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो इस तरीके के चेंजेस अगर कल को आ भी गए ना, गवर्नमेंट मेजर पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं सेम ही रखेगी, थोड़ा बहुत उनमें चेंज होगा, जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स सेम ही होगा, उसमें स्लैब रेट्स हैं तो स्लैब रेट तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सीधा कहेगी कि फ्लैट 30% चार्ज हो गया या फ्लैट 10%, 99% ऐसा नहीं होगा, 1% हो भी गया तो क्या दिक्कत है। आपको पहले से अगर पता है कि आपको पहले से नॉलेज है ना कि टैक्सेशन है क्या, मतलब स्लैब रेट किसको बोलते हैं, टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो आपको समझ में आ गया ना। मैं अगर कल को बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा स्लैब रेट खत्म हो गए, अब ना सीधा सीधा 15% का टैक्स लगेगा, समझ में आ गया ना। अगर आपको पहले से इनकम टैक्स नहीं पता तो पहले कहोगे अरे भाई इनकम क्या, स्लैब रेट क्या, ये क्या, तो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि नया आ गया तो आपके साथ चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आपसे, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में वर्क कर रहे हो या प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो कि टैक्स अकाउंटेंट बनना है, टैक्स प्रैक्टिशनर बनना है, कुछ भी, एक कहीं ना कहीं सब आपस में एक, ठीक है, आप प्लान कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सर इनकम टैक्स चेंज होने वाला है तो थोड़ा वेट ही कर लेते हैं, भाई प्रैक्टिकली सोचो, लोगों के बहकावे में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे मत जाओ। अगर एप्लीकेबल हो भी जाता है तो कौन सी आईटीआर में, आईटीआर जुलाई 2026,
अरे 2 साल, 2 साल तक क्या आप खाली बैठे रहोगे कि 2 साल बाद आएगा, और आएगा तो नहीं आया तो वो तो 2009 से चल ही रहा है कि आएगा तो वाली चीज, तो अगर अगले 15 साल लग गए तो क्या आप बैठे रहेंगे? नहीं ना, तो आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, स्टडी स्टार्ट करो। इनफैक्ट मैं मेरी अभी आगे मैं आपको बता भी रहा हूँ, मुझसे आप कहोगे ना अगर नया टैक्स जो सिस्टम है वो अगले 4 महीने में भी आ रहा होगा, मैं कहूंगा आप स्टडी स्टार्ट कर दो पुराने टैक्स सिस्टम। क्यों? बात समझो, अभी एक तो रीजन मैंने बताया, आपको पहले से पता होगा तो क्या होगा, नई चीज आने पे आपको समझ में आए। दूसरी चीज, अभी नहीं पता है 2 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, तो आप ऐसे वेट करके तो छोड़ नहीं सकते। तीसरी चीज क्या है कि नया टैक्स सिस्टम जो होगा वो पुराने टैक्स सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड होता है, जैसे मैंने आपको जीएसटी का बताया, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसमें बेसिक कंसेप्ट सेम ही रहेंगे, और इनकम टैक्स में तो उतना ज्यादा वेरिएशन आएगा भी। और ऊपर से क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं ना, मतलब वो सब कहाँ पे किन के लिए ज्यादा इनको इम्पैक्ट डालते हैं, जो सीएस होते हैं या फिर जो मतलब बड़े क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, इम्पैक्ट उनपे इम्पैक्ट आता है। अगर आप एक टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, आप सीए नहीं है या बहुत ज्यादा डिटेल में क्लाइंट्स को, बहुत बड़े क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करते हो, तो आपके ऊपर सिंपल चेंजेस आएंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की चीजें नहीं। दूसरा, इसके अलावा क्या, आपको पहले से काम आता होगा, सब कुछ सीखा होगा, आपके पहले से क्लाइंट होंगे तो वो जब नया टैक्स सिस्टम आएगा उनके पास बहुत सारे उनके माइंड में डाउट्स आएंगे, वो डाउट आपसे पूछेंगे, आपको पहले से चीजें पता थी, आपके लिए समझना ईजी होगा, आप उसको कर लो। जीएसटी के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, जिन लोगों को पहले से प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में थे, पहले से नॉलेज थी, वैट जीएसटी एक्साइज उसकी सर्विस टैक्स थी, उन्होंने जीएसटी को जल्दी जल्दी समझ लिया, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब सिस्टम ऐसे ऐसे चेंज हुआ, सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे थे, और उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दी। तो शुरू के जो 1 साल था ना, उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने ही, आप एक चीज बताओ, जो कोविड का टाइम पीरियड आया था, कोरोना तो सबके लिए नया था ना, सबके लिए नया था। अब आप किस डॉक्टर के पास गए थे? वो डॉक्टर जो पहले से बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, ये जो नए नए ज्वाइन कर रहे थे, वो उनके पास गए थे ना, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनको आप पहले से जानते थे, क्यों गए थे उनके पास? वो तो कोरोना तो उनके लिए भी नया था, और जो फ्रेश डॉक्टर बने थे या अभी जो जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उनके लिए भी कोविड नया था। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि एक्सपीरियंस पर्सन है, कि कोविड के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि वो रिलेट कर पाए होंगे, समझ में उनके आया होगा कि हाँ एक्चुअल में कोविड क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या इसका सॉल्यूशन, वही चीज यहाँ पे मैटर करती है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि देखो, जो बाकी वीडियोस अपलोड हो रही है ना, उनका क्या, वो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनका देखना जितने चैनल पे बाकी व्यूज होंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा इस वीडियो पे व्यू आएंगे, और मैक्सिमम ने दोबारा से भी वीडियो अपलोड करी होगी, क्योंकि वो एक बार में इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, एक तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि सस्पेंस सा बनाया जाए, ताकि अगली इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूं तो वो फिर से मेरे वीडियो देखे, ऐसा। तो उन चीजों को इग्नोर करो। जब भी टैक्स नया एप्लीकेबल हो जाएगा न्यूज चैनल पे, आपको प्रॉपर डिटेल पता चल जाएगी, बजट में आ जाएगा, उसके बाद ही सोचना, उससे पहले सोचने की जरूरत नहीं है। और इस चैनल पे मैं आपको जब भी होगा शेयर कर दूंगा, जब वो चीज प्रॉपर होगी। मैं ये वीडियो बनाना ही नहीं चाह रहा था, बट इतने ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी ना, कि मिसगाइड हो चुके थे, तो सब पीछे पड़े थे, सर आप अपना बताइए क्या होगा क्या होगा, चलो एक वीडियो बनाते आपको सब, ठीक है? फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट।